लगातार कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि आखिर किस तरीके से सावधानी के साथ एक समारोह का आयोजन किया जाता है, तो दूसरी तरफ कई नियमों को तोड़ते हुए एक ही समारोह का आयोजन किया जाता है। तो दो अलग अलग तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। आखिर जनता की भागीदारी कितनी है कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए, ये भी देखा जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्रसेन हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। कुछ देर पहले डॉक्टर दीपक गुप्ता हम बातचीत कर रहे थे कि जनता को भी उसी तरीके से पार्ट लेना होगा जिस तरीके से सरकार पार्ट ले रही है, तमाम गाइडलाइंस जारी कर रही है और तमाम तरीके की पहल भी की जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी आपसे और चाहूंगी कि आप दर्शकों को यह समझाएं कि कोरोना का स्टेज आखिर इस वक्त कौन सा चल रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कैजुअली ले रहे हैं, लोगों का यह कहना है कि अब तो खत्म हो रहा है कोरोना। अभी कोरोना की सेकंड वेव है, ठीक है, कुछ कह रहे हैं हम थर्ड वेव एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड थर्ड के बीच के मानिए। तो बेसिकली चीज ये है कि कोरोना ये जो वेव है ये अभी वो ऐसी है कि अभी मौसम बहुत कंड्यूसिव है इसके लिए। देखिए पहले पहले गर्मी में लॉकडाउन था, सबने कहा कि गर्मी में मर जाएगा, नहीं हुआ। लेकिन कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है, इसे हवा से ही फैलना है, इसकी फितरत है हवा से फैलना, और इस मौसम में तो ड्रॉपलेट्स भी नहीं सूखते, ज्यादा ट्रेवल करते हैं हवा में, तो इस टाइम तो इसके लिए बहुत ही अच्छा राइट सीजन है, फर्टाइल सॉइल मिल रही है इसको फैलने के लिए, और यही कारण है कि इस टाइम ये फैल रहा है और ये और फैलेगा। इसको स्टॉप करने के लिए सिर्फ जनता ही स्टॉप कर सकती है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है पर गवर्नमेंट अभी और कुछ नहीं कर सकती, वो ट्रीटमेंट दे सकती है पर इसको खत्म अगर करेगी तो जनता ही करेगी। ट्रांसमिशन रोकना है, ट्रांसमिशन कैसे रोकेगा इसका, सीधी सी बात है, मास्क सैनिटाइजेशन, ये दो चीजें हैं कि और भीड़ भाड़ की जगह अवॉइड करना, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड मास्क, अगर ये चीजें हैं तो डेफिनेटली कोरोना ट्रांसमिशन रुकेगा, और ट्रांसमिशन ही तो रोकना है इसका। देखिए आज भी इसका इलाज नहीं है, सब ट्रायल पे चल रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, फिर आपका जितने एंटीवायरल ड्रग्स आई है, एनीथिंग, लेकिन ये सब एक ट्रायल था और टेक्निकली स्पीकिंग ट्रायल कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है, ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ इसका इससे बचना ही इसका बचाव है, इसका इलाज है, और यही बात लोग समझने को तैयार नहीं है। और सवाल ये भी है कि जब वैक्सीन अभी तक आई ही नहीं है तो लापरवाही किस बात की यहाँ पर दिखाई जा रही है। इंद्रसेन लगातार हमारे साथ बने हैं। इंद्रसेन, अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो सबसे पहले सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पहले दिया जाएगा, इसके अलावा जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा, तो जनता तक पहुंचने में वैक्सीन को बहुत टाइम लगेगा, तो लापरवाही किस बात की? हमारा सवाल यही है कि जब वैक्सीन नहीं है अभी तक तो लापरवाही आखिर क्यों? बिल्कुल अंशिका, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें, वैक्सीन अभी तक कह सकते हैं कि कब आएगी ये कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि वैक्सीन को लेकर जो वैज्ञानिक है लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन कब तक आ पाएगी इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। और साथ ही ये बातें भी निकल कर आ रही हैं कि अगर वैक्सीन आती है तो पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको मुहैया कराई जाएगी, और जनता तक कब तक ये वैक्सीन पहुंचेगी अभी कुछ भी साफ नहीं है। तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि जिस तरह की लापरवाही पूरे देश में देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है अंशिका कि राजधानी दिल्ली या फिर यूपी में ही इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, पूरे देश में देखने को मिल रही हैं अलग अलग तस्वीरें जहाँ पर लोग बिना मास्क के दिख जाएंगे आपको सड़कों पर, और भीड़ भाड़ वाली जो मार्केट्स हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार लापरवाही जो है कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही है। और साफ तौर से हम बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को। अगर हम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि जहां जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर आप सर्विलांस करिए, मॉनिटर करिए, ड्रोन कैमरे से भीड़ भाड़ वाली मार्केट पर नजर रखिए। लेकिन जरूरत यही है अंशिका, जरूरी नहीं है कि पुलिस वाला आके हमें रोके या फिर हमारा चालान काटे उसके बाद ही हम डर के साए में मास्क पहने। इससे तो यही दिखाई देता है इंद्रसेन कि जनता ने लापरवाही तब दिखानी शुरू की जब सरकारों ने नियमों में ढिलाई बरती। देखिए अंशिका, नियमों में ढिलाई बरतने के कारण थोड़े से अलग थे, क्योंकि हम बात करें
लॉकडाउन की वजह से व्यापारी वर्ग भी परेशान था, बाजार बंद थे, बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी। सरकार ने धीरे धीरे बाजारों को खोलना शुरू किया ताकि लोगों के घर परिवार भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग, मध्यम वर्ग के लोग परेशान थे। लेकिन ढिलाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना से हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। कोरोना से हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, जरूरत अभी लापरवाही की नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, लापरवाही छोड़कर हमें सतर्कता दिखानी होगी अंशिका, और अगर हम सतर्कता नहीं दिखाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, हाथों को सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ते कोरोना के ग्राफ पर कभी भी रोक नहीं लग पाएगी अंशिका। बिल्कुल इंद्रसेन, बहुत महत्वपूर्ण बात ये आप कह रहे हैं। डॉक्टर हमारे साथ लगातार बने हुए, डॉक्टर दीपक, बार बार यही डिस्कशन हो रहा है कि अगर लापरवाही बढ़ती गई तो बिल्कुल भी हम कोरोना से नहीं बच पाएंगे, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी डॉक्टर दीपक कि आखिर जो पेशेंट्स आपके पास पहुंचते हैं, क्या उनमें अब भी कोरोना का वही डर है जो फर्स्ट टाइम पे आया था, क्योंकि अब वो डर की स्थिति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है देश में। अब बाकी लोगों को इससे डर नहीं लग रहा है, और ऑनेस्टली लोगों को डर लग रहा है, लोगों को समझ आनी चाहिए कोरोना। कोरोना एक समझने का वो शब्द हो गया, ना कि डरने का। आपको लड़ना है इससे, लेकिन अफसोस है कि पेशेंट जो आते हैं ज्यादातर वो होते हैं जो ढिलाई बरत रहे हैं, ठीक है, उनमें वाकई में कोरोना के कोई संजीदगी नहीं बची है। और पेशेंट नहीं, ज्यादातर लोगों में जो मार्केट घूम रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं बची है कोरोना को लेकर। मतलब कोरोना हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है, वो उससे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, पर हमें उसको दूर रखना है जी, ठीक है। देखिए, ये वो है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, और इससे पूरी क्षमता में मारने की जी बिल्कुल, तो हम दूर रख सकते हैं। अब ये तो हमारी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी समझ है। मार्केट में खुले घूमना कोई समझदारी नहीं है, नतीजा आज कोई खांसी लेके भी आता है तो 90% 99% केस में कोरोना पॉजिटिव निकलता है। हालत ये हो गई है, मतलब स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, और वजह लापरवाही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, इंद्रसेन आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.